Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the Edmontons YouTube channel. So in today's video, let's discuss some of the prominent current affairs without wasting any further time. So the first and foremost is, recently you must have noticed, heard this thing that India to be renamed as Bharat. Okay? So the recently used president of Bharat in an official G20 summit dinner invitation, so usne speculation start kar diya ki that potentially there is a name change from India to Bharat. While recently, what is the game behind is that, see, हमारे इंडिया में जो आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है दैट इज इंडिया, दैट इज भारत एज यूनियन ऑफ स्टेट, राइट. सो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत वर्ड को इंडिया का नाम माना हुआ है, राइट. सो बट ड्यू टू यू नो द कॉलोनियल रूल, we generally use India, but in our constitution we have the name Bharat, as in Article 1 and Schedule 1, both these places the Bharat word has been there, right? So अभी जो एक तरीके से you know एक news चल रहा है कि that president of Bharat, India का नाम Bharat change हो जाएगा, but Bharat word is used already in the constitution. And in 2018 जब सुप्रीम कोर्ट में भी किसी ने पिटीशन डाला था कि इंडिया का नाम भारत करो, देन ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट यूज दिस लॉजिक ओनली. द सुप्रीम कोर्ट सेज दैट इंडिया एंड भारत बोथ कैन बी यूज एज इन द इंटरचेंज फॉर्म. ठीक है, दोनों बात सेम ही है, राइट. इफ यू वॉन्ट टू यूज भारत, यू कैन यूज भारत, राइट. सो दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर. यू हैव टू रिमेंबर आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. हाउएवर देयर मेनी कंट्रीज जिनके नाम चेंज हुए थे, लाइक यू नो बर्मा से नाम म्यांमार चेंज हुआ था, बिकॉज बर्मा नाम पड़ा था बिकॉज बर्मीज ट्राइब ही मेन थी वहाँ पर, बट 1989 में इसका नाम बर्मा हो गया, म्यांमार हो गया था, बिकॉज म्यांमार शोज मैनी यू नो कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी ट्राइब्स. जिम्बाब्वे का नाम चेंज हुआ था, अर्लियर इट वॉज रुडीशिया, राइट. मैसेडोनिया का नाम चेंज होकर हो गया था रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया. चेक रिपब्लिक का नाम चेंज हुआ था, पहले चेकिया से चेक रिपब्लिक नाम पड़ा था, राइट. देन द टेरिटरी ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बीन रीनेम्ड एज नामीबिया इन 1990, राइट. स्वाजीलैंड हैज़ बीन रीनेम्ड. सो यू हैव टू नो दैट व्हाट रिसेंटली, बिकॉज ये नेम चेंज डिबेट है, रिसेंटली आपने देखा होगा टर्की नाम चेंज हुआ है तुर्की का, राइट. सो बट इन इंडिया यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट दैट इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट. तो इंडिया में भारत वर्ड एज एन आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भारत वर्ड रखा है, राइट. यू कैन यूज इट इन द इंटरचेंज फॉर्म, यू कैन वॉन्ट यूज इंडिया, यू कैन यूज इंडिया. वैसे भी जब हिंदी में बोलते हैं तो हम भारत वर्ड ही यूज करते हैं, लाइक इन प्रियम्बल इट इज रिटन दैट, जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं तो लिखते हैं ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, बट अगर आप उस हिंदी में पढ़ोगे हम भारत के लोग, राइट. सो इन हिंदी इट इज भारत हो. सो ऑलराइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करेंट अफेयर, दैट इज द एशियन गेम्स 2023 स्केड्यूल. देखो इससे पहले हुए थे 2018 में एशियन गेम्स, राइट. 2018 में जो एशियन गेम्स हुए थे वो हुए थे जकार्ता में, जकार्ता इंडोनेशिया, राइट. सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. 2018 उसके बाद होने थे 2022 में, बट ड्यू टू कोरोना इट इज बी शिफ्टेड टू 2023. तो अभी 2023 में एशियन गेम्स होने वाले हैं एंड इट विल बी होस्टेड बाय चाइना, राइट. सो चाइना में होस्ट होने वाले हैं 23 सितंबर से, यू नो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एशियन गेम्स एंड दिस विल बी द 19th एडिशन, राइट. एंड इट विल बी होस्टेड बाय द चाइना. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस एशियन गेम्स इज द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिकेट, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिकेट, ठीक है. क्योंकि एशियन गेम्स में क्रिकेट नहीं होता था, पहली बार ऐसा हुआ दैट क्रिकेट ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन द एशियन गेम्स. तो एक मेडल तो इंडिया का यहाँ पर भी पक्का होने वाला है एशियन गेम्स में भी, बिकॉज 19th एशियन गेम्स में देयर विल बी क्रिकेट ऑल्सो. लाइक यू हैव, यू मस्ट हैव सीन इन 2022 जब आपका वो हुए थे कॉमनवेल्थ हुए थे, राइट. 2022 कॉमनवेल्थ में यू मस्ट हैव नोटिस दैट वुमेन क्रिकेट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, वुमेन क्रिकेट गॉट इंट्रोड्यूस. और अब यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है मेंस क्रिकेट, राइट. सो एशियन गेम्स में मेंस क्रिकेट भी आ गया है एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आने वाले टाइम में होपफुली ओलंपिक्स में भी हमें क्रिकेट देखने को मिले, राइट. सो 2023 एशियन गेम्स कहाँ पर होस्ट हो रहे हैं? चाइना में होस्ट हो रहे हैं.
Now let's move forward to the next current affair. Global FinTech Fest 2023 unveiling the world's premier FinTech conference. अभी 2023 में जो आपकी वर्ल्ड प्रीमियर फिनटेक कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो बेटा होने वाली है हमारी कहाँ पर, मुंबई में, राइट, मुंबई जियो टावर्स में आपका ये फिनटेक कॉन्फ्रेंस होने वाली है. एंड इट इज़ अ रिमार्केबल कमबैक, द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट एज सेट टू रिक्लेम इट्स टाइटल वर्ल्ड लार्जेस्ट फिनटेक कॉन्फ्रेंस. ये दुनिया की लार्जेस्ट फिनटेक कॉन्फ्रेंस होगी. फिनटेक बेसिकली मीन्स एज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी. तो आजकल आपको पता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पे कितना काम चल रहा है, तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपकी फिनटेक कॉन्फ्रेंस हो रही है. दिस ईयर इवेंट्स प्रॉमिस टू बी अ स्पेक्टेकुलर शोकेस ऑफ द इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन विद द फिनटेक इंडस्ट्री. सो यू कैन सी, यू नो, पेटीएम, ज़ेरोधा, सिंपल, ठीक है, रेजर पे, दे ऑल आर द भारत पे, दे ऑल आर द जुपिटर, राइट, क्रीड, दे ऑल आर द फिनटेक कंपनीज, दे आर द टॉप फिनटेक कंपनीज इन इंडिया, यू नो, ग्रो, इंड मनी, राइट. सो सारी आपकी मेजर फिनटेक जो कॉन्फ्रेंस हो रही है अभी 2023 की, वो आपकी मुंबई में होस्ट हो रही है, राइट. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करेंट अफेयर, यूके रिजॉइन यूरोपियन यूनियन होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम. द टू ईयर्स पोस्ट ब्रेक्सिट स्टैंड ऑफ रिगार्डिंग साइंस फंडिंग. तो यूनाइटेड किंगडम हैज डिसाइडेड टू रिजॉइन द यूरोपियन यूनियन होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम. आपका जो है यूरोपियन यूनियन का, उसमें यूके ने रिजॉइन कर दिया है. क्योंकि आपको पता है ब्रेक्सिट जब हुआ था, यू नो, 2019 में जब ब्रेक्सिट हुआ था, जब ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को आपका रिमूव कर दिया था, तब उसने यूरोपियन यूनियन के होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम से भी वो बाहर आ गया था, राइट. बट अब 2023 में आपका यूके जो है यूरोपियन यूनियन का होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम ज्वाइन कर रहा है. Right, this move is seen as a significant development in the bilateral relationship between United Kingdom and EU following the resolution of the trade dispute 7 months prior. Right, so this point you have to remember. You must have remembered, want to remember, I have to remember this point. In 2019, Britain exited from European Union. Earlier, Britain was the part of the European Union, but ab usne Britain ne exit kar diya hai. Theek hai? So this point you have to remember. You can see the creative of the also the Horizon 2020 framework program, which was set for the research and innovation, and it was led by European Union, right. So I think this is enough for today. See you soon in my next session. Till then, stay blessed, good luck, and have a nice day.